नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में चार छोटे छोटे बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करेंगे। इस बिजनेस करने में दोस्तों कम पैसा लगेगा, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना है और इसी ब्रांड नेम को यानी कॉपीराइट ट्रेडमार्क करवाना है, जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर सके। अब आपको इसी को ब्रांड ले जाना है। दोस्तों, इस ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या मतलब करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कहाँ से बनवाना पड़ेगा, कैसे मार्केटिंग करना पड़ेगा, सारी जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि इस प्रोडक्ट में एक्सपायरी नहीं है। आज आप बनाइए, इसे 5 साल बाद बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल बाद बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बिजनेस में कभी MRP जो है दोस्तों डाउन नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी, MRP बढ़ती ही जाएगी। और जो ये बिजनेस है दोस्तों, ये शिक्षा के क्षेत्र से है, यानी कि बच्चों के पढ़ाई से संबंधित है। इसलिए दोस्तों, यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इस बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप 10th पास हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप 15 साल के हैं, 50 साल के हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, चाहे जहां से हो दोस्तों, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हो कौन से छोटे छोटे चार बिजनेस हैं, इसे कैसे करना है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है, इस बिजनेस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के आप इसे कर सकते हैं, यानी कि आप खुद बनाइए और इसे बेचिए। लेकिन खुद बनाने और बेचने में पूंजी ज़्यादा लगती है, यानी कि ये आप बिजनेस नहीं चला पा रहे किसी कारणवश, तो दोस्तों आपकी पूंजी वेस्ट हो जाती है। और इसी बिजनेस को आप एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यानी मार्केटेड बाय, जिसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कहा जाता है। आप दूसरे से प्रोडक्ट को बनवाइए, मार्केट में ले जाके आराम से अपना ब्रांड का लेवल लगा के बेचिए। और आज के समय में दोस्तों 70 से 80% लोग इसी तरह से कर रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज मार्केट में दो टाइप की कंपनियां हैं। एक कंपनी ऐसे है जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में ले जाके बेचती है, यानी मैन्युफैक्चर बाई और मार्केटेड बाई दोनों काम करती हैं, और ऐसी कम कंपनी है। दूसरी तरफ से दोस्तों, एक कंपनी होती है जो सिर्फ थर्ड पार्टी का ही प्रोडक्शन बनाती है, यानी दूसरे का ही प्रोडक्ट बनाती है, अपना प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ये दूसरे के लिए क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बना। तीन ही से हमें भी बनवा करके ये बिजनेस करना है। चलिए जानते हो कौन से छोटे छोटे दोस्तों चार बिजनेस है। चारों को करने के लिए पहले जान लेते हैं क्या जरूरत है। दोस्तों, अगर आप इसे ब्रांड लेवल पे ले जाते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, छोटे से शुरू करके बड़े लेवल पे, तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है। अब इस नाम को आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है, जिससे इस नाम से कोई और कंपनी या कोई और प्रोडक्ट ना बना सके। इसके लिए दोस्तों, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम IP India कहते हैं। इसी IP India पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, पेटेंट सब काम होता है, सब काम। दोस्तों, आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे IP India सर्च करने के लिए सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। या दोस्तों, कि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क कॉपीराइट करती हैं, उनके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। दोस्तों, इसकी एक फीस सरकार लेती है, फीस क्या है, 3,500 रुपये वन टाइम, एक टाइम सिर्फ 3,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। 10 साल के लिए ये प्रोडक्ट आपके नाम से सेफ हो जाएगा। 10 साल बाद आपको इस प्रोडक्ट को फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, 10-10 साल के लिए होता है। पहले इसकी फीस दोस्तों 3,000 रुपये थी, आज 3,500 रुपये, ये आपके क्लियर हो गए। अब इसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं GST रजिस्ट्रेशन। जो आप परचेज कर रहे हैं, जो आप सेल कर रहे हैं, उसका आपको सरकार को लेखा जोखा देना पड़ता है, कितना आपने टैक्स जमा किया। इसके लिए GST नंबर लेना पड़ता है। GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं,
आपके दोस्तों जो जिले में सेल्टेक्स ऑफिस होता है वहां जा करके आप वहां से ले सकते हैं या ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेल्टेक्स ऑफिस में जाते तो वहीं पे सेल्टेक्स से एडवोकेट होते हैं दोस्तों, वो आपके फाइल को रिटर्न को भरने का काम करते हैं, तो उनके माध्यम से आप ले सकते हैं, फ्री आपका काफ्ट है। अब एडवोकेट यानी जो वकील हैं वो कुछ आपसे चार्ज प्रोवाइड करेंगे, अपना मेहनताना अपना शुल्क वही लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। अब आपके पास जीएसटी नंबर हो गया, आपका ब्रांड नेम हो गया, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसे घर से कर सकते हैं या ऐसे स्थान से ऐसे सिटी से कर सकते हैं जहां पे ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था बढ़िया हो, क्योंकि माल आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजना है तो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा ना हो, तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग की बढ़िया व्यवस्था हो वहीं पे एक छोटा सा ऑफिस ले करके वहीं आप सेटलमेंट करिए, वहीं से आप अपने बिजनेस को शुरू करिए, नहीं तो आप घर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब चलिए दोस्तों जानते हो कौन से छोटे छोटे बिजनेस हैं जिसकी डेली बच्चों को जरूरत पड़ती है और उसमें कोई एक्सपायरी नहीं। आज आप बनवाइए, 5 साल बाद बेचेंगे, उसका दाम बढ़ता ही जाएगा, दाम कम कभी नहीं होगा। पहला है दोस्तों इस टाइप का टेप आता है, पेपर टेप कहते हैं, ये टेप बच्चों की पढ़ाई में बहुत काम आता है और आप देख रहे हैं इस पे कहीं कुछ नहीं लिखा होता है। इसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाना, ऊपर से एक कवर इस पे लगी होती है, ऐसे एक कवर लेना, उसी पे आपके ब्रांड का नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, बाकी कुछ नहीं। तो जो आपने एक ब्रांड नेम चॉइस किया है ये दोस्तों 40 रुपए में आम ऐसे बिकता है, 40 रुपए में, और इसमें कोई कंपनी नहीं होती है, सिर्फ आप कितना सेल कर ले जाते हैं, कितना दुकानों से संपर्क करके जितना आप बेचना चाहें उतना बेचिए, जितना आपको मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा आप इसे सेल कर सकते हैं। यह टेप ऑनलाइन भी बिकता है, ऑफलाइन भी बिकता है, दोनों तरीके से यह टेप बिकता है दोस्तों। पढ़ाई में भी काम आता है, वैसे भी चिपकाने में काम आता है, क्राफ्टिंग में काम आता है, कई जगह से काम आता है। इसकी कीमत दोस्तों 40 रुपये, 40 रुपये यह बिक्री है, इसके बिक्री है दोस्तों। कितने में बनेगा आप जान के चौंक जाएंगे। एक एक चीज का क्लियर करते हुए चलते हैं, चार टाइप के बिजनेस आपको बताएंगे दोस्तों। इसकी अगर हम लागत की बात करें, सारे खर्चे काटने के बाद रेट को हम इसलिए ओपन नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद जा रही, 2 साल बाद जा रही, उस समय क्या रॉ मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में समझते हैं दोस्तों। इसकी कीमत क्या है, 40 रुपए, यानी कि आप ये मान के चलिए 40 रुपए में मार्केट में बिक रहा है, इसमें दुकानदार का प्रॉफिट है, मार्केटिंग का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, तमाम खर्चे, बस आप इतना मान लेना दोस्तों जितने में बिकेगा आपको दुगुना प्रॉफिट होगा, बस मान के चलिए जितने में आप बेचेंगे इसमें दुगुना प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 40 रुपए में बिक रहा है या 50 रुपए में जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो सारे खर्चे काटने के बाद दुगुना आपका प्रॉफिट होगा और नुकसान कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सपायरी नहीं होती है और दिन का दिन 10%, 5%, 2% इंक्रीज ही होता है, 10%, 5% दाम बढ़ते ही जाते हैं। मान लीजिए आज आपने इसे 20 रुपए में बनवाया है, 2 साल बाद ये 22 रुपए में बनेगा, 3 साल बाद फिर ये 24 रुपए में बनेगा, तो अगर आपने आज एक्स्ट्रा बनवाए तो दाम बढ़ता ही गया ना, दाम घटेगा नहीं। तो दोस्तों पहला बिजनेस हो गया, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस दोस्तों ये यूज होती है कैंची है, देख रहे हैं इसमें कोई कहीं ब्रांड नहीं है, बढ़िया क्वालिटी है, और ये कोई दोस्तों आप मार्केट में लेने जाएंगे 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, यानी कि इसका कोई रेट नहीं होता है, जो जितने में चाहे उतने में बेच सकता है, 10-5 रुपए अप डाउन रहता है हर एक दुकान पे, किसी दुकान पे लेंगे 50 रुपए, अगली दुकान पे जाएंगे कोई 45 में दे देगा, अगली दुकान पे जाएंगे कोई दोस्तों 60 रुपए में देगा, तो इस पे भी ब्रांड है, यहीं पे एक आपका लोगो लग जाता है, आपका नाम लिख दिया जाता है, तो जब इसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कराने जाएंगे, जिस कंपनी से बनवाने जाएंगे, तो यहीं पे आपका नाम लग दिया जाएगा, उसके बाद आप इसे चाहे कवर में रख सकते हैं और इसे डिजाइन करने, तो दोस्तों इसमें कई कलर को, तो इसमें क्या एक्सपायरी, कोई एक्सपायरी नहीं, आज आप बनवाइए 10 साल बाद बेचिए, इसके दाम भी बढ़ते जाए, तो दोस्तों ये कैंची भी आराम से बिकती है और एक क्राफ्टिंग में काम आती है, बच्चों के काम आती है, वैसे भी यूज होती है, दो बिजनेस हो गया। तीसरा बिजनेस जो सबसे महंगा बिजनेस, सबसे अच्छा बिजनेस है दोस्तों, ये है ब्रश। आप देख रहे हैं इस ब्रश पे किसी कंपनी का, ऐसे यहीं पे कंपनियों का नाम लिख दिया जाता है, स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, नाम लिख दिया जाता है, और ये ब्रश कितने का होगा दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, ये बच्चों की क्राफ्टिंग में काम आता है,
बच्चे इसी खूब खरीदते हैं दोस्तों। इसी में कई रेंज में आते हैं। एक इसकी कीमत दोस्तों 40 रुपए में, आप मार्केट में लेने जाएंगे 40 रुपए। सेम इसी तरह से और आता है, उसका थोड़ा सा इसका और वो बना दिया जाता है, प्लास्टिक में कर दिया जाता है और इसकी सॉफ्टनिंग बना दी जाती है, वो 100+ आते हैं। और इसी में ब्रश आता है 250 का ब्रश आता है, सब कुछ ऐसे रहता है। सिर्फ आप कितना उसे ब्रांडिंग कर पा रहे हैं, क्या क्वालिटी आप दे पा रहे हैं और दोस्तों इसे कितने महंगे में बेच रहे हैं, ये होगा भाई ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो 40 में भी वही काम करेगा, 150 वाला भी वही काम करेगा, 250 वाला भी काम करेगा। तो दोस्तों मेरी बेटी है क्रॉफ्टिंग का काम करती है, तो इसके लिए हमने 40 वाला लाया और एक लाया हमने दोस्तों वो 100 रुपये का है, 100 का काम है। तो दोस्तों उसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो इसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाना है, यहीं पर आपका लोगो लग जाएगा, उसके बाद इसे एक डिब्बे में करना है। आप ऑनलाइन भी बेचिए, ऑफलाइन दूसरा बिजनेस। अगर लागत की बात करें, हमने कहा 2 गुना प्रॉफिट होगा, A to Z सारे खर्चे काटने के बाद, एक एक रुपया खर्चा काट दीजिए तो भी आपको 2 गुना मिलेगा, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। ये ब्रश क्या खराब होगा, आज बनवा के 10 साल बाद बेचिए, 5 साल बाद बेचिए, इस पर कोई एक्सपायरी नहीं है। तीसरा बिजनेस दोस्तों इसी तरह से होता है, जो बच्चों के काम आता है, ये है दोस्तों पेंसिल, ये भी क्रॉफ्टिंग में काम आती है, बच्चे इसे क्रॉफ्टिंग करते हैं। और दोस्तों इसी तरह से दोस्तों सॉरी दोस्त, ये देखिए इसमें 5 होते हैं दोस्तों, 5 पेंसिल इसमें होती है इसी तरह से। और ये आते कितने, इसकी MRP है 150 रुपये, इसकी MRP है 150 रुपये, और दोस्तों मिलता कितने में, 130 रुपये में, 140 रुपये में। आप सोचिए 5 पेंसिल इसी तरह से है। अब इस पर कहीं कुछ है, कुछ नहीं है, ये आपका ही छोटा सा जैसे इसमें है ऐसे आपका भी एक छोटा सा आपका कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा या आपके प्रोडक्ट का नाम लिख दिया जाता है स्क्रीन पर। बस इसी तरह से डिब्बे में पैक करवाइए, आप बेचिए, सब कुछ हो जाएगा। थर्ड पार्टी, क्या है पेंसिल खराब होगी, आप बताइए दोस्तों, क्या ये पेंसिल खराब होगी, कभी खराब नहीं होगी ये पेंसिल, आज बनवाइए 10 साल बाद बेचिए। ये सारे बच्चों के काम आते हैं, पढ़ाई से संबंधित बिजनेस है, पढ़ाई से संबंधित वाला बिजनेस, खाने पीने से संबंधित वाला बिजनेस, कभी बंद नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है। तो दोस्तों ये बढ़िया बिजनेस है। अब दोस्तों 140 में बिक रहा, आप सोचिए 140 में बिक रहा पेंसिल में क्या अलग है, हीरा मोती तो जड़ा नहीं है, क्रॉफ्टिंग में काम आता है। तो दोस्तों ये सारे बिजनेस हैं जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, इसीलिए कहा जाता है छोटे छोटे बिजनेस हैं जो कभी फ्लॉप नहीं होते हैं, और जितने ज़्यादा छोटा बिजनेस होता है उतनी ज़्यादा बड़ी मार्जिन होती है, उतने ज़्यादा प्रॉफिट होता है, एक्सपायरी नहीं होती। तो दोस्तों ये आपको जो हमने 4 बिजनेस आइडिया बताए, ये 4 बिजनेस आइडिया जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, आप इनमें से कोई भी एक बिजनेस कर सकते हैं, आपके पास पूंजी है तो आप ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। अब लागत की बात करें तो दोस्तों जैसे आप ये टेप बनवा के बेचना चाहते हैं, पेपर टेप है तो ये 100 टेप भी बन जाएगा, 200 टेप भी बन जाएगा, 300 टेप भी बन जाएगा, जितने आपके पास बजट है आप बनवाइए, ले जाके मार्केट में बेचिए, ऑनलाइन बेचिए, ऑफलाइन बेचिए, जैसे आपके, बस इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेल्फ करने का तरीका, सेल्फ टीम कैसे तैयार करें, मार्केट में अपने ब्रांड को दुकानदार के बीच में कैसे ले जाए, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कैसे करें। आप देखते होंगे दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपना एक छोटा सा नाम लगा लगा के जगह जगह पे चिपकाए रहती है, तो हमारे आपके माइंड में वही आता है भैया ये किस चीज़ का नाम है, ये किस कंपनी का है, कौन से प्रोडक्ट का है, वैसे धीरे धीरे प्रचार होता है दोस्तों। ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, ब्रांड बनाने के लिए 2500 साल लगते हैं। आज हम आप किसी के प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं तो आज का प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोडक्ट, 10 सालों की मेहनत है, 10 सालों का विश्वास है, 10 सालों की क्वालिटी है, धीरे धीरे लोग पसंद करते हैं, एकाएक प्रोडक्ट पर लोग पसंद नहीं करते हैं। बस हमें आपको जरूरत है उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, उसकी पैकेजिंग डिजाइन को बनाए रखना। तो दोस्तों जब आप उसकी पैकेजिंग डिजाइन क्वालिटी को बनाए रखेंगे तो वह बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं, हमारे द्वारा बताई गई कोई बातें आपको समझ में ना आई हो, उस पर आप दोबारा कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम फिर से अलग से आपसे वीडियो बना देंगे, या जो भी जानकारी आप चाहेंगे वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है,
हमारा हर नौजवान अपना सेल्फ बिजनेस करे और अपने पैरों पे खड़ा हो, दूसरे को रोजगार दे। और वो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं कर रहा हूँ, मेरे पास दोस्तों फार्मा क्षेत्र से संबंधित सारे जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।